में लोगों ने अपने बर्ड का दाना बंद कर दिया है, एसी बंद कर दिया है, टोटल एनवायरनमेंट खत्म कर दिया है। ये वो लोग हैं जो इस हॉबी को एज ए बिजनेस लेके आए थे और जिनके पास क्वालिटी बर्ड्स नहीं थे, तो वो इस वक्त भी पैनिक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अपना शौक कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं हमारी अचीवमेंट, ये 2 साल के अंदर हमारी अचीवमेंट्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट इन शो, सेकेंड इन क्लास हमारा बर्ड हुआ है। और यही हमारा शौक था और यही पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बर्ड में आए थे। हमारे पैशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त बीजे चैंपियन कोई न्यू फैंसियर अपने शेड में ब्रीड नहीं करवाता, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त हमारे शेड में ब्रीड करवा रहा है, और आप देख सकते हैं। और हम इस हॉबी को लेके कितने एक्साइटेड है और कितने जोश है, ये देख सकते हैं कि डल सालों का हमने एडिशन किया है। इरफान भाई, आप हमारी सफाई सुथराई का ख्याल देख सकते हैं, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है। और यही हमारी डेली की रूटीन है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर वेंटिलेशन है और बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं है, बिल्कुल कोई सफोकेशन नहीं है, एग्जॉस्ट फैन देख सकते हैं। इसी वजह से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड देख सकते हैं, एक भी बर्ड मेरा बीमार नहीं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद इरफान, एग्रीकल्चरल। आज हम माशाल्लाह फहीम भाई के पास आए हैं, साहिवाल। अगर आपको फहीम भाई की अचीवमेंट बताऊं, अगर आपको कहूं कि फहीम भाई लेपर्ड के किंग है साहिवाल में, तो बिल्कुल गलत ना होगा। जो माशाल्लाह इनकी अचीवमेंट है, बहुत कम वक्त में माशाल्लाह सिर्फ 2 सालों में इन्होंने उसकी ज्यादा अचीवमेंट की है कि आप खुद सुनकर हैरान होंगे। LST का जो नेशनल बेबी शो हुआ था, उसमें माशाल्लाह इनके 2 बर्ड बेस्ट इन क्लास आए हैं। और इसके अलावा जो LSS फैसलाबाद में शो हुआ, वहाँ पे माशाल्लाह इनके 7 बर्ड विन हुए हैं, जहाँ पे इनके माशाल्लाह से 4 बर्ड बेस्ट इन क्लास आए हैं, 3 बर्ड सेकेंड इन क्लास आए हैं, और माशाल्लाह से 1 बर्ड इनका सेकेंड बेस्ट इन शो आया है। और इसके अलावा इनके पास जो ब्लड लाइन है, आपको बताता चलूं कि माशाल्लाह इनके पास BVA चैंपियन 2022 का जो चैंपियन बर्ड है, वो इनके पास माशाल्लाह एवरी में मौजूद है, उनकी ब्लड लाइन इनके पास मोस्टली चल रही है। तो आए चलते हैं फहीम भाई की एवरी की तरफ, आपको दिखाते हैं इनकी क्वालिटी और आपको इनके बर्ड भी दिखाते हैं। और साथ साथ छोटी सी अनाउंसमेंट करता जाऊँ कि फहीम भाई के साथ हमारी छोटी सी कोलैबोरेशन है, कि आपको फहीम भाई का जो भी बर्ड लाहौर में चाहिए हो, वो आप मेरे से रिसीव कर सकते हैं। इनकी जो भी डीलिंग वगैरह लाहौर में होगी, वो सारा का सारा मैं हैंडल करूंगा। आप मेरे प्यार से फहीम भाई से कुछ भी बर्ड परचेज कर सकते हैं, बड़ा इजीली कर सकते हैं, और जो भी आपको लाहौर में बर्ड चाहिए हो, वो सारे के सारे बर्ड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आइए विजिट करते हैं फहीम भाई के बर्ड की एवरी। जी फहीम भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका सेटअप माशाल्लाह ऊपर बना हुआ, छत के ऊपर रूफ पे बना हुआ, तो उसका आपने डिजाइन कैसे रखा हुआ है? अच्छा इरफान भाई, ये जब हमने डिजाइन किया है, तो जो एक अच्छी एवरी की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने डिजाइन किया है। आप ये देख सकते हैं, एक एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे लगा हुआ है, और सेकेंड ये लगा हुआ है, और ये क्रॉस वेंटिलेशन है, ये भी विंडो है, ये विंडोज है, और ये बाकी सब विंडोज है, ताकि डे लाइट आए। क्योंकि जैसा आप अच्छा एनवायरनमेंट देंगे अपने बर्ड्स को, तो उनकी वैसे हेल्थ पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। तो फहीम भाई, आप सबसे पहले हमें अपनी ब्लड लाइन दिखाएं जो आपकी टॉप क्वालिटी की है। सबसे पहले आप हमें अपना BVA चैंपियन जो आपके पास 2022 का, वो दिखाएं कि आपके पास कौन सा बर्ड है। अरफान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये BVA चैंपियन 2022 सीरीज गोल्ड का बर्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे शेड में इस वक्त ब्रीड कर रहा है, और इसके 11 पीस अल्हम्दुलिल्लाह मैं से ले चुका हूँ। और जो ये आप मेल देख रहे हैं, ये भी BVA लाइन का चैंपियन लाइन का बर्ड है मेरा, और आप क्वालिटी देख सकते हैं, और ये बेस्ट इन क्लास हुआ है LSS बेबी शो में। अरफान भाई, ये BVA चैंपियन के अल्हम्दुलिल्लाह होम ब्रीड बर्ड है, आप इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, और ये लाहौर के अंदर नेशनल बेबी शो है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड इन क्लास आए हैं। और जो ये ग्रीन फीचर है, ये बेस्ट इन शो सेकेंड हुआ है LSS बेबी शो में। ये अब अपलाइन की क्वालिटी आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह टॉप ऑफ द लाइन बर्ड है, ये सब के सब BVA लाइन है। मेरे पास कोई भी बर्ड जो है ना, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन लाइन से बर्ड है। ये डन सालों का पेयर है, ये इस साल एडिशन की है, आप बर्ड की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये बर्ड है, ये साल हम एडिशन कर रहे हैं एक्वा पेंसिलों के अंदर। तो फहीम भाई, इस टाइम इतना पैनिक रेट हुआ है बर्ड्स को लेके, लेकिन आप इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे, इसकी वजह क्या है? अरफान भाई,
जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो माइंड में यही बात थी कि स्टॉक करना है, बिजनेस बाद में बनाना है। तो फिलहाल तो हम स्टॉक कर रहे हैं, तो मार्केट में क्या चल रहा है डजंट मैटर, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा बढ़ रखे ही नहीं कि अपनी प्रॉब्लम हो। इरफान भाई, ये हमारी प्रोडक्शन है, ये सब के सब बर्ड कुछ मैंने पेयरअप कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास कमर्शियल बर्ड्स अगले साल कुछ कम थे, तो जितनी भी मेरी ब्रीड आई है मैंने, ये देख सकते हैं आप क्वालिटी देख सकते हैं, इनके साइज चेक करें, क्योंकि अच्छा इन्वायरमेंट बर्ड खुश रहता है, तो बर्ड आप देखें माशाल्लाह, उनके साइज चेक कर लें, तो जितना अच्छा साइज होगा उतना ही अच्छी आपको पास बर्ड परफॉर्म करेगा, आपके पास ब्रीड अच्छी आएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस साल 100+ पीस हैं। तो फरीन भाई ये बताइएगा कि बर्ड्स के लिए डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है? तो फरीन भाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जब सीज़न आता है तो फार्मूलाज वगैरह लगाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्ड अच्छा परफॉर्म करें ब्रीडिंग सीजन के अंदर, तो आपने 12 महीने अपने बर्ड को अच्छा सॉफ्ट फूड भी देना है और मल्टीविटामिन वो भी देनी है और प्रॉपर ख्याल रखना है। तो फहीम भाई, अगर हम किसी से कोई अच्छा बर्ड परचेज करने जाते हैं, उसके मेन मेन साइन क्या होने चाहिए? अच्छा, क्वालिटी में एक तो बर्ड का स्ट्रक्चर होता है, उसकी बीक हेड शेप होता है, और सेकेंड अगर आप म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं तो उनके फीचर्स होते हैं, लाइक ओक्लाइन है तो उसकी जो मार्किंग है फिश स्केल मार्किंग वो प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर पेन सेलो पे आप काम कर रहे हैं तो बर्ड बहुत डार्कर होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे पास ये वॉयलेट ओक्लाइन पेन सेलो। अरफान भाई, आप इमेजिन कर लेंगे हमारा दूसरा साल है और ये बर्ड का आप देखें कितना डार्क कलर के अंदर है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एग्जैक्ट नॉलेज कि हमें पता था कि जो पेल फेलो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत डार्क कलर होना चाहिए। ये तब भी होगा जब आप अपने साइड पे डार्क लाइन पेंसिल लगाएंगे। चले फहीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, सेटअप इधर करवाया, अल्लाह आपके सेटअप पर नज़र बस से बचाए। अरफान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकअल्लाह फहीम, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।